हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस. इन द लास्ट वीडियो आई हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. दैट वाज माय थर्ड वीडियो. अंडर दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. देन देर आर टू टाइप्स, वन इज फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड द अदर वन इज वर्किंग कैपिटल. एंड वी फोकस्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, meaning about it, and we have covered five important factors affecting fixed capital requirement. Today we are going to continue with the factors affecting fixed capital requirements. Before I go to the sixth point, students, I would like to you might be little bit thinking that I was about to present my PPT or slideshow, but I am back with the textbook here. So I would like to tell you people, student, क्या होता है कि मुझको I want that people should get a very first hand experience. Even though when we put up the slides, हमको थोड़े points याद रहते हैं, लेकिन जब textbook आपके सामने होता है और थोड़े बच्चे जो textbook को ही identify करते हैं, तो I felt that I can कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्विकली और मैं आपको एग्जाम्पल्स तो दूंगी ही. तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, वी कैन कनेक्ट वेरी इजिली विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक. सो इवन आई कैन एकम्पनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो नाउ. तो इसके वजह से मैंने टेक्स्ट बुक ही प्रेजेंट करने का सोचा. जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बढ़ता जाएगा तो हम और कुछ नए तरीके लेकर आएंगे, सो दैट वी शुड गेट अवर कंसेप्ट क्लियर. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना? ओके, एनी वे स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो अब तो बहुत ही इन अ वेरी प्रेजेंटेबल वे. अदरवाइज ऑल्सो इट वॉज प्रेजेंटेबल, लेकिन फिर भी द सिक्स्थ पॉइंट आई थिंक ना वी वर अबाउट टू स्टार्ट. ठीक है, द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट्स. जब ओल्ड असेट्स, जैसे ओल्ड इक्विपमेंट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर या जो भी लैंड बिल्डिंग जो भी है, अगर वो कम प्राइस में मिल रहा है तो आप वो ओल्ड असेट लेने के लिए तैयार होते हो. एंड इट इज गुड फॉर द कंपनी. व्हाई इट इज गुड फॉर द कंपनी? बिकॉज इट विल रिड्यूस योर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स. है, अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है असेट, जो ओल्ड असेट है लेकिन कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप क्यों न्यू खरीदने जाओगे? तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है इन द फिक्स असेट विल बी लेस. ओके, देन द नेक्स्ट, आई थिंक हमने एक्विजिशन कर दिया है. नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट. ओके, नाउ यहां पर आपको ये अंडरलाइन करना है या ये जानना है दैट गवर्नमेंट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल हियर. दे वॉन्ट टू फोस्टर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि ऑब्वियसली वॉट एवर दे विल अर्न इट विल गेट एडेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना? तो व्हाट द गवर्नमेंट डज, ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है या मटेरियल्स है, ये कंसेशनल रेट्स का मतलब है दे आर गिविंग यू एट अ लेसर रेट्स सो दैट यू कैन अफोर्ड एंड बाय दिस. दैट इज वन थिंग. और दूसरी बात ये है कि ये प्लांट और इक्विपमेंट्स आप ले सकते हो ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस. इंस्टॉलमेंट बेसिस मतलब अगर आप एक फर्नीचर खरीद रहे हो जो एक 50,000 रुपीस का है या 1 लाख रुपीस का है, तो आपको ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम फुल 1 लाख रुपीस पे करने की कोई जरूरत नहीं है. आप कितने साल के लिए आपको चाहिए और कितने महीने आप पर मंथ इंस्टॉलमेंट मतलब थोड़े थोड़े करके आप पे कर सकते हो. तो ये जो फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ओनली बिकॉज दैट यू विल एड सम ग्रोथ टू द एट रीजनल लेवल और यू विल इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट. सो जब गवर्नमेंट ये स्टेप उठाती है तो यू विल हैव टू
इन्वेस्ट लेस इन द फिक्स असेट. सो आपका जो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट है वो कम हो जाएगा. सो आई थिंक स्टूडेंट्स हमने कर दिया है, एक्विजिशन हो गया है हमारा, एक्विजिशन ऑफ असेट्स ऑन कंसेशनल रेट भी हो गया. देन विल गो टू इंटरनेशनल कंडीशंस. ये इंटरनेशनल कंडीशंस जो फैक्टर है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को जो अफेक्ट करता है, ये उन्हीं कंपनीज मीन्स दोस कंपनीज विच आर कैरिंग द बिजनेस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल, दोस हु आर कैरिंग द बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल. ओके, नाउ यू शुड अंडरस्टैंड योर, सपोज इफ वी से दैट यू नो उनको अगर लगता है कि आगे चलकर वॉर होने वाला है या कोई मटेरियल्स की कमी पड़ने वाली है या फ्लड्स होने वाला है. सी वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट दिस इज जस्ट एन अजम्पशन. या फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि जो भी कंपनीज राइट नाउ जो इंटरनेशनली डील करती है ड्यू टू दिस पैंडेमिक, अभी उनको पता नहीं था बट मे बी यू मे नेवर नो, तो वो क्या करती है, इन दैट केस दे मे डिसाइड टू इन्वेस्ट इन लार्ज फंड्स टू एक्सपांड द फिक्स्ड असेट्स बिफोर देर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल. सो इफ दे एज्यूम दैट टुमारो देर विल बी सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग देर विल बी अ वॉर, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ देर आर सम टेंशंस एट द बॉर्डर, बट येस but I'm talking about the wars of the country, so that may help, you know, not help, that may give the companies and thinking that this tensions may affect the shortage of materials. तो वो क्या करते हैं, वो fixed capital में या fixed assets में ज्यादा invest करते हैं, so that tomorrow there should not be any shortage of funds or shortage of material. Specially the companies, you know, they are always ready for the risk which is going to happen. The same ways ki international jo problems hoti hai, jaise ki ye pandemic hai, this is also a international problem hai na, to iske wajah se agar unko pata tha ki aage chal kaise hone wala hai, to wo company kya karti hai, jaldi se turant fixed asset mein zyada invest karti hai, so zyada production ho jayega. ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा तो जब नहीं रहेगा तो वो डिमांड जब ज्यादा होगा तो वो लोगों को वो सेल कर पाएंगे. सो दिस कैन हेल्प देम टू इन्वेस्ट मोर इन द फिक्स्ड असेट्स. सो वी आर डन विथ इंटरनेशनल कंडीशन. ओके, देन द नाइन्थ वन इज ट्रेंड इन इकोनॉमी. If the future of the company is anticipated to be bright, it gives green signal to the business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business. Very clear. अगर उनको लगता है कि कल एंटरप्रेनर को लगता है कि इनका जो कंपनी का जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा आगे चल के, तो एक्सपांशन के लिए वो पूरा रेडी हो जाते हैं और अपने फंड्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं. Why they are investing? Because they know that आगे चल के इस प्रोडक्ट को या जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बहुत ही डिमांड होगा. सो दे गिव ग्रीन सिग्नल, देना मतलब दे आर रेडी टू एक्सपांड द बिजनेस, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट मोर फिक्स असेट्स सो दैट दे गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर. सो ट्रेंड इन इकोनॉमी, जो भी ट्रेंड चलता है उस पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी आगे पीछे नहीं सोचती है, वो इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनको पूरा पक्का यकीन होता है कि आगे चलकर ये प्रॉफिटेबल होने वाला है. ठीक है, सो ट्रेंड इन इकोनॉमी. नेक्स्ट इज योर पॉपुलेशन ट्रेंड. द वर्ड पॉपुलेशन इटसेल्फ, सी स्टूडेंट्स, when the population is increasing at high rate, certain manufacturers find this as an opportunity to expand the business. सही भी तो है, जब हमारा population तो पीछे हटेगा नहीं until and unless there is something else happening, but the population will go on increasing, तो थोड़े manufacturers क्या करते हैं, वो इसी एक opportunity की राह में होते हैं और वो अपना जो business है वो expand करते हैं. और कौन से इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल, कार मैन्युफैक्चरिंग,
इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आपका मोबाइल फोन हो गया या एक्सेसरीज हो गए या रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, जिनको बहुत ज्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ती है लेकिन पॉपुलेशन इतना है, उनको पक्का यकीन है दैट टुमारो पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू बाय. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करूँ, तो आज जो बंदा आईफोन 10 खरीदता है या आईफोन 11 खरीदता है, वो 6 महीने के बाद बोर हो जाता है. सो नाउ द एप्पल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग वन मोर आईफोन विच विल कम इन द मार्केट वेरी सून, तो वो ये बेच देंगे और वो खरीद लेंगे. तो ये जो हमारी पॉपुलेशन है ये बढ़ती जा रही है, द डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, और वो एक्सपांड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है एनी वन ऑफ देम विल डेफिनेटली बाय. सो दे आर रेडी एंड विच एनफोर्सेस देम टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन द फिक्स्ड एसेट. ओके, देन आई थिंक वी हैव कंज्यूमर प्रेफरेंस, है ना, कंज्यूमर प्रेफरेंस मीन्स वॉट. कंज्यूमर प्रेफरेंस मतलब इंडस्ट्रीज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विच रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, मोबाइल फोन मैन एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क पर यही एग्जाम्पल है. अभी जो इंडस्ट्रीज है वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कंज्यूमर को पसंद है, कंज्यूमर डिमांड करता है. तो कंपनीज रेडी हो जाती है कि फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज दे आर अवेयर दैट दिस इंडस्ट्री विल नॉट गो ऑन डिक्रीजिंग, इसका स्कोप बढ़ता ही जाएगा. सो दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, ये जो रिसर्च होता है, इतना सब कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, क्यों करते हैं ये? इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, और कंज्यूमर का अगर डिमांड होता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट मोर इन द फिक्स कैपिटल एंड दे नो दैट दे विल गेट द जेन्युइन प्रॉफिट्स. सो कंज्यूमर प्रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ओके, 12th पॉइंट स्टूडेंट्स योर इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर. नाउ दिस फैक्टर कॉम्पिटिटिव का मतलब है कॉम्पिटिशन. यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग आप कैपिटल मतलब फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में कितना इन्वेस्ट करने वाले हो. अगर आप देखते हो कि इफ सी आई जस्ट रीड आउट फॉर यू, इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स शिफ्ट टू ऑटोमेशन द अदर कंपनीज इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कॉम्पेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर. ओके, नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल हियर. अभी हमको पता है कि ये पैंडेमिक चल रहा है, COVID-19 का जो यू नो एंटायर प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, तो एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है. तो राइट नाउ देर वॉज सो मच डिमांड ऑफ द जूम ऐप, देन जूम ऐप होते होते गूगल मीट आ गया. तो गूगल मीट जैसे ही आ गया तो दूसरे लोग भी देखते हैं ना, इट्स अ कॉम्पिटिशन, तो लोगों को पता चल रहा है कि इसमें स्कोप है, डिमांड है. तो नाउ जियो मीट इज ऑल्सो यू नो लाइंड अप इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी, बट वी आर कॉम्पेल्ड टू फॉलो द कॉम्पिटिटर. तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो अब वो रेडी है ना, वो ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है. In however, I'm just giving you from you know apps point of view. वैसे ही कोई भी कंपनी अगर कुछ नया शुरू करती है, इन्वेस्ट करती है इन फिक्स कैपिटल, सो दैट यू नो दे आर ब्रिंगिंग सम न्यू टेक्निक्स, न्यू मशीनरीज, सो अदर कंपनीज ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग दैट बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन. उनका अगर बढ़ रहा है डिमांड और वो अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं, तो दूसरे कंपनीज भी वही करेंगे बिकॉज इवन दे वॉन्ट टू इंक्रीज देयर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम लाइन एंड गेट मोर गुड्स, आई मीन टू से डिमांड फॉर द गुड्स एंड दे विल प्रोड्यूस मोर. सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू फिनिश विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. दिस इज द वीडियो नंबर 5 आई गेस, है ना. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर. I will bring the working capital explanation along with the factors in the next video.
Till then, students, thank you so much. If you have cleared your concept, do like, subscribe and share Commerce Tute, your flight to success. Thank you. Take care, students.